देखिए हाँ कौन सा एक्सरसाइज था आप लोग का ये? टू पॉइंट फोर 4 2.4। जितना क्वेश्चन हुआ तो उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग का के का वैल्यू फाइंड करना। सब में सबसे क्या फाइंड करना है? के का के का वैल्यू। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया दिया हुआ है, ठीक ना। आ के जगह पे कोई नंबर होगा, 2, 4, 6, 8, 3 तो कुछ आएगा ही आएगा, ठीक ना। और एक बात और दिया हुआ है कि इसका एक गुणनखंड कौन है? एक्स माइनस है हुआ है 1। तो वहां से हम लोग एक्स का पहले मान निकालते हैं, जो एक्स का मान आता है उसको पॉलिनोमियल में क्या कर देते हैं? रख ओके देते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या है? आंसर आंसर है। देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर जी प्लस 1 हाँ माइनस लेफ्ट से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस होगा ना, हाँ कोई दिक्कत? नहीं चलिए, तो पी एक्स कितना दिया है? तो पी एक्स बराबर पहले 0 ले लो। क्या ले लो? जीरो 0, क्योंकि कोई भी गुणनखंड होता है ना उसमें एक्स का मान डालेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो 0 हो जाएगा। तो पी एक्स का मान कितना ले? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना के बराबर कितना जी? जीरो 0। अब एक्स का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, फिर 1 लिखिए प्लस कितना के के बराबर कितना जी? जीरो 0। तो एक का स्क्वायर कितना होगा? एक एक प्लस कितना? एक एक प्लस कितना? के एक इक्वल टू जीरो 0। एक एक कितना दो प्लस कितना के बराबर? अब प्लस 2 लेफ्ट से आ जाए तो क्या करेगा? माइनस माइनस दो इट इज द माइनस दो कोई दिक्कत जी पीछे है? नहीं चलिए इसका देखिए, फिर उसी तरह से एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 1 होगा ना बाबू है। आ गया। अब देखिए यहाँ तो एक लिखिए 2x² प्लस के एक्स, अब प्लस कितना रूट 2 बराबर कितना लिखेंगे? 0 0। अब यहाँ पे सब जगह किसको पुट करेंगे? 2 एक्स का मान कितना है? 1 के इंटू 1 प्लस कितना रूट 2 इक्वल टू 0। एक का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा? 1। के में 1 से गुना करेंगे तो के प्लस कितना रूट 2 बराबर कितना जी? 0। 2 में 1 से मल्टी कीजिए, 2 में 1 से मल्टी तो कितना होगा? 2 होगा। के जस के 10, रूट 2 का रूट 2 बराबर कितना जी? 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा, के प्लस 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, दो कोई दिक्कत है? बराबर कितना है? 0 है। तो क्या आएगा? के जस के 10, ये जो प्लस वाला है क्या करेगा? माइनस 2 प्लस रूट 2, कोई दिक्कत? वही आपका क्या रहेगा आंसर। मतलब के को लेफ्ट में रखना है, बाकी सबको राइट में। कहाँ पे रखना है तभी आपका के का मान पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, पी एक्स माइनस 1 बराबर कितना इसमें भी दिया हुआ है? 0, तो एक्स बराबर 1। ये क्या समीकरण है ना? के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस कितना 1 बराबर कितना है जी? 0। के जस के एक्स के मान 1 के स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर कितना? 0। जीरो तो के 1 में मल्टी करेंगे 1 से तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो 1 लिख दिए। माइनस रूट 2 में 1 से मल्टी करेंगे तो रूट 2 प्लस कितना 1 बराबर 0 0। ध्यान दीजिएगा, के इंटू 1 कितना रहेगा? के रूट 2 प्लस माइनस 1 ना, देखिए माइनस रूट 2 है लेफ्ट रह जाएगा तो क्या करेगा? प्लस प्लस टू रूट 2 प्लस 1 इधर जाएगा, क्या करेगा? माइनस माइनस। कोई दिक्कत है? समझी? चौथा आप लोग को ट्राई करना, कोई दिक्कत? चलिए कीजिए। चलिए, तो क्या है? फैक्टर या फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, ठीक है। तो पहले में गुणनखंड सीखने से पहले देखिए द्विघात समीकरण हम लोग देखे है ना, क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी एक्स प्लस कितना सी, ठीक है ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करने से पहले पहला काम क्या कीजिए? सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? ए को सी से मल्टी कीजिए। ए को किससे मल्टी करना है? सी से सी से। कहाँ ध्यान है जी? ए से किसको मल्टी कीजिए? सी से। ए से सी में मल्टी कीजिए। तब यहाँ पे ए कौन दिख रहा है आपको, बोलिए? टू है कि 12 है जी? 12 है। आ सी कौन है? वन तो पहला काम कर दीजिए आप लोग, 12 इंटू 1 कितना मिला? 12 12 मिल गया ना। अब जो आपको गुना करने के बाद ए सी मिला ना, उसका कीजिए फैक्टर। क्या कीजिए? 12 का। किसका? तो 12 के फैक्टर को तो ऐसी ना बाबू है, आधा करने ना, दो दो छक 12 2
दो तियाई और तीन का तीन यही ना आएगा वो, दो गुने तीन, ठीक है। तो अब देखिए 12 को किस तरह से लिख सकते हैं, दो कंडीशन से इसको लिख सकते हैं। पहला, दो दुनी चार अगुना तीन, तीन तो भी 12 आ जाएगा, राइट। और एक दो तीन दुनी, तो छः 6 दुनी 12 भी करेंगे तो भी 12 आ जाएगा, राइट। यस ओके ना, समझे। तीसरा स्टेप, 12 तो दोनों कंडीशन में आ रहे हैं। तीसरा स्टेप भी देखना है कि जो बी है आपका, बी माने समझते हैं ना, जो एक्स के साथ वाला तो बी होता है, इसमें एक्स के साथ कौन है, सेवन सेवन है। अब 7 आपको लाना है, लेकिन जानते कैसे, कि जो दो कंडीशन है यही दोनों के, तो जोड़ के या तो घटा के। अब देखिए 6 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 चाहे 2 में 6 को जोड़ेंगे तो भी 8, 6 में 2 को घटाएंगे तो 4, चार या 2 में 6 को घटाएंगे तो -4। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। अब इसको करके देखिए, 4 में 3 जोड़े सात कितना रहा है, सात अप्लाई हो रहा है, हमको तीन यही ना चाहिए था। 4 प्लस कितना, 3, तो दोनों के जोड़ने पर कितना रहा है, सात 7, तो पहले से हमको पता था ना। हाँ फिर से दोहरा रहे क्वेश्चन को, ए में किससे गुना करना है, से जो आएगा उसको क्या करेंगे, सात लिख देंगे फैक्टर को। एक बार इसे से, एक बार पीछे से, एक बार आगे से, आगे से जो 2 दुनी चार 3 बजे 3 चट्टी आई 12 12, फिर पीछे से 3 दुनी 6, छः 6 लिख दिया 2 के 2 2 6 12, जोड़ने पे हमारा कितना ना चाहिए था, 7, यानी बी का मान, 3 का मान बी बी का मान आ चाहिए था, आ चाहिए था ना। तो बी आपका कितना है, तो कहें तो सर मेरा बी यहाँ पे कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 आना चाहिए। तो 6 में 2 जो जोड़े तो हमारा 7 नहीं है नहीं मिला, 7 नहीं नहीं मिला, तो 4 में 3 जोड़ के देखे तो 7 मिल गया। यानी कि जहां पे आपका 7 दिख रहा है, चौथा स्टेप, जहां पे आपका 7 दिख रहा है वहां क्या लिखना है, बोलो, 4 प्लस 3 4 प्लस 3, 7 के साथ क्या दिख रहा था, 7 एक्स, इन दोनों के भी साथ में क्या देखते हैं, एक्स, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं जो 7 है, 7 का क्या पुट करना है तुमको, 4x+3x, 4x+3x, 3x, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। कुछ है ही नहीं, बस इतना समझ में आ गया तो काम हो गया। ए में पहले सी से क्या करेंगे, गुना गुना करेंगे, जो मिलेगा उसका क्या करेंगे, फैक्टर, फैक्टर। और उसको इस तरह से करना है कि मेरा बी बार बी आ जाए, क्या जाए, बी। गुना करने पे तो आएगा ही, अगर हम श्योर रहेंगे, लेकिन जोड़ने घटाने पे बी बी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बी, ठीक है ना। तो बी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको लिखिए, लिखने का तरीका देखिए, 12x² जस के प्लस, अब देखिए 7x को तो तोड़ना है ना, किस रूप में जी, सेवन से बोलिए, 4x यानी कि 7x बराबर हम लिख सकते 4x+ क्या, लास्ट में क्या बचा, तो +1। आप कॉमन लेने तो आपको कैसे करता, जो दिखता है कॉमन होता है, जैसे देखिए इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, अब देखिए कॉमन कैसे होगा, ये 12 ही कितना है, 4, दोनों में कौन छोटा है, 4, 4, 4 का टर्म 4 आता है, हाँ, यस आता है, 4 को हम ले सकते हैं, 12 आता आता है, आता है, यानी कि 4 जो है दोनों में है, 12 में भी और 4 में भी, इसी को कहते हैं कॉमन, क्या कहते हैं, कॉमन। तो 4 को निकाल लीजिए बाहर, क्या कर लीजिए बाहर, देखिए 12x² है, समझिएगा, समझाने के लिए खाली एक बार करते हैं। 12 का मतलब होगा 2 गुने 2 गुने कितना, 3, 2 दूनी 4 गुने 3, x² था ना, तो x गुने x कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं ना, फैक्टर तोड़ेंगे तो वो था आपका कितना, 4x, क्या था जी, 2 दूनी 4 करेंगे यानी 4 आएगा ना जी, इसमें ऊपर 4 से 4 के रूप में कर दिया, फिर कितना है, 1x, 4 कॉमन है, तो 4 कर लिए बाहर, ठीक है, ओके। फिर क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स, तो एक्स को भी कर लिए बाहर, क्या बचा यहाँ, 3 और क्या बचा, भैया 3 में तो कॉमन आएगा, क्या बाबू 3 में तो कॉमन आएगा, 3 को क्या, 12x को तो नीचे किए थे, 4 को 3 कहाँ से आ गया नंबर जी, 12x² का तो नीचे लिखे ना, चलती आए 12, तो क्या कॉमन है, 4 और क्या कॉमन है, 1, तो 4x तो बाहर लिख दिए। भैया ब्रैकेट में कौन बचेगा, तो देखेंगे ऊपर क्या बचा, 3 और क्या बचा, तो पहले लिखेंगे 3x, फिर प्लस है तो प्लस, अब 4x² में देखेंगे दोनों कॉमन हो गया, जब सब कॉमन हो जाता है तो कितना बचता है, 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1, ब्रैकेट क्या कर देंगे बंद, फिर प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कहेंगे सर 1, अब देखो 3 का 3 1 का 1, तो एक तो है दोनों में, एक को बाहर किया, एक को मानेंगे दोनों चेंज होगा, 1% नहीं चेंज होगा, 10 के 10। अब देखिए तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है
ये दोनों आपका सेम आ गया ना, तो आपका बनाया हुआ क्या है, सही। सिंपल सी बात है, जब फैक्टर कर लिए तो फैक्टर के बाद यहाँ पे देखिए कि दोनों मेरा सही आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है, तो समझिए मैं क्या है सही जा रहा है, ठीक है ना। हर हर सिचुएशन में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो दो दो है तो दो के बाद कितना लिखेंगे, वन, यानी कॉमन लेते हैं इसको भी, जो दो दो है ना तो क्या कर देंगे, वन। यही कितना है तो फोर एक्स लिख देंगे, यहाँ कितना है तो यहाँ क्या लिख देंगे, वन। यही आपको क्या हो गया आंसर। पहला काम जी, ए में किससे गुना करेंगे, सी से। ए में किससे गुना करेंगे, सी से। जो आएगा उसको क्या करेंगे, फैक्टर। फैक्टर करने के बाद उसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने करने से बीच वाला मिले, यानी कि बी एक्स क्या मिले, पी क्या मिले, पी। बस उसको पुट कर देंगे, उसके बाद कॉमन लेकर के आंसर देंगे, कोई दिक्कत है। ये आपका फैक्टराइजेशन है, नोट कीजिए। फोर्थ का सेकेंड ना, देखिए इस क्या क्वेश्चन है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना, 3। ओके, तो दोनों को क्या करना है, गुना। तो कितना मिल जाएगा आपको, छह छह। तो छह का दो बात है, एक तो दो गुने हैं तीन, तीन छह को इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो तीन गुने छह दो, या छह को इस तरह से लिख सकते, छह गुने छह एक, छह आ सकता है नहीं आ सकता है। हाँ हाँ सकता अब देखिए जोड़ने करने में आपको कितना चाहिए, सेवन है तो मेरे सेवन। जी पहला काम कर रहे इधर, देखिए फैक्टराइजेशन। फैक्टर क्या करेंगे, दो तीन का तो छह का, तो फैक्टर दो क्या होता है, तीन होता है, बट दो तीन किए तो दो में तीन जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, पांच। हलाना क्या है, सात। सात। पॉसिबिलिटी है कि होगा, नहीं तो पहला कट, ठीक है। चाहे तीन में भी दो को जोड़ेंगे तो भी पांच आएगा, ये भी क्या हो गया कट। छह में फिर एक को जोड़ना, कितना मिला, सात। तो ये लाइव हो रहा है, क्या कर रहा है, ये नियम अप्लाई हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, छह प्लस एक था ना कितना, सात। एक साथ यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स, यहाँ भी एक्स। एक्स। तो जहाँ सात एक्स हो जाएगा, क्या पुट कीजिएगा बोलिए तो, छह एक्स प्लस वन एक्स, छह एक्स प्लस वन एक्स। फिर से दोहरा रहे हैं कि जो मैं तीन से गुना किया, छह या छह का फैक्टर करेंगे तो दो गुने तीन, या तीन गुने दो गुने, या तो छह गुने एक होगा, राइट। तो यदि ऐसा होगा तो छह गुने एक हो, तो छह में एक को जोड़ के देखे तो सात मिला हो रहा था, इसलिए सात, छह प्लस एक, छह और एक ही लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जहां सात एक्स है वहां पे पुट कर दीजिए, छह एक्स प्लस कितना, एक्स प्लस कितना, तीन, कोई दिक्कत है। अब कॉमन लीजिए, दोनों में क्या कॉमन है, टू एक। कैसे पता चलेगा कि टू एक्स स्क्वायर था, नीचे कितना था, छह एक्स। फैक्टर करो तो दो गुने एक्स गुने कितना, एक्स होगा ना जी, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, दो बार गुना, एक गुना एक्स करेंगे। अच्छा एक्स का मतलब क्या होगा, दो गुने तीन गुने एक्स, दो तिहाई छह, अच्छा में एक्स गुना करते हैं, छह एक्स। ये देखिए कितना है आपका, दो। ये कितना है, एक्स। कॉमन है ना, कितना कॉमन है, टू एक्स। अब ब्रैकेट दोगे तो टू एक्स निकाले तो यहाँ क्या बचा, एक्स। यहाँ लिखोगे एक्स, टू और एक्स निकाले तो क्या बचा, तो थ्री। प्लस थ्री, कोई दिक्कत। फिर प्लस, अब देखो एक्स प्लस तीन है ना, एक्स तीन के टेबल में आता है ना, तीन एक्स के टेबल में आता है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं रहेगा ना, तो वहां से कितना कॉमन होगा, एक कॉमन। जहाँ कुछ कॉमन है वहाँ कितना बनेगा, हाँ, क्योंकि वन के टेबल में हर एक नंबर आता है, ठीक है। जैसे एक्स ही तुम लिखा, इसका मतलब क्या है, वन एक्स है, तो लिख सकते हो वन इंटू एक्स है। अब मान लो थ्री लिखे होता तो इसको भी लिख सकते, एक गुने दो चीज तीन, तीन तो आएगा, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, वन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वन कॉमन अंदर, बाकी जब जस के तो देखे तो दोनों यहाँ पे सेम आया है, एक्स प्लस तीन एक्स प्लस आपका बनाया हुआ क्या सही है। तो एक्स प्लस तीन दस के प्लस रख दीजिए, अभी दो को क्या बता, एक को रख दीजिए, यहाँ क्या बचा, टू एक्स, यहाँ क्या बचा, प्लस वन, ठीक है। ये आपका क्या है, समझे, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट कीजिए, आप भी बना लेंगे।